क्या आप भी करते हैं निर्वस्त्र होकर स्नान? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि निर्वस्त्र स्नान करने से आपको पितृदोष भी लग सकता है। क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे पूर्वज हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं, निर्वस्त्र स्नान करने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, जो पितृदोष का कारण बन जाता है। निर्वस्त्र होकर स्नान ना करने के नियम के पीछे एक पौराणिक कथा भी मौजूद है। जब गोपियाँ सरोवर में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं, तभी श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। इसके बाद उन्होंने वस्त्रों को छिपा दिया। जब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, तब उन्होंने समझाया कि बिना वस्त्रों के स्नान करने से जल देवता का अपमान होता है। इसके बाद सभी गोपियों ने श्री कृष्ण की बात मान ली और फिर कभी निर्वस्त्र स्नान न करने की शपथ ली। बिना कपड़ों के स्नान करने से शरीर में नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मानसिकता भी नकारात्मक हो जाती है। साथ ही इससे माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर पहने। कई लोग इसलिए भी निर्वस्त्र होकर नहाते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर आपको हर स्थान पर देख सकते हैं। ऐसा करना वरुण देवता का अपमान समझा जाता है, इससे वह रुष्ट होते हैं और आपको पाप लग सकता है, जिसके कारण आपको संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आप करते या करती हैं तो आज से ही बंद करें। प्रणाम।